यहाँ से सारा व्यू दिखता है, पूरा कुल्लू। ये देखिए कुल्लू। Hey guys, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम जा रहे हैं मम्मी के नानी जी के घर, वहाँ किसी काम से जा रहे हैं, तो मैं आपको मम्मी का नानी का घर दिखाती हूँ। मम्मी की नानी की अभी पिछले साल ही डेथ हुई है, तो अभी मुझे थोड़ा दूध पहुँचाने को है, तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मेरी मम्मी की नानी का घर पुईद में है, तो हम पुईद जा रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह जल्दी जा रहे हैं क्योंकि मुझे दिन को वापस आना है। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ पुईद, जो खराल वैली में है। खराल वैली, माता का मंदिर है, जगन्नाथी माता का मंदिर। यहाँ से रास्ता शुरू होता है और ये है मेरे मामा जी का घर जो अभी बन रहा है। यहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है। यहाँ से अंदर की तरफ पुईद। जो आपको वहाँ टॉप में मंदिर में दिखाती हूँ आपको। ये जो आपको गांव दिख रहा है, यहाँ पर मेरा घर है पुराना वाला। यहाँ हम जब देवता निकलता तब जाते हैं। ये है मेरी मम्मी की नानी जी का घर। ये है खुमानी जो भी कच्ची है। नमस्ते। ये मामी जी। नमस्ते नमस्ते। मम्मी के मामा और मामी। हाँ, वीडियो एल में बनानी तुझे यादगार। ये देखिए घर, सीढ़ी चढ़ जाना पड़ता है। ये है टाड़ा और वो देखिए चूल्हा। कुल्लू में ज्यादातर सारे काम टाड़े में ही होते हैं, जो घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल होती है। और यहाँ पर सारी लिपाई मिट्टी से की गई है। और ये चूल्हा जिसमें रोटियां बनती है, और ये लाइट आने के लिए थोड़ी सी जगह। अभी मैं आपको ले चलती हूँ मंदिर। मम्मी अभी अपनी मामी जी के पास बैठे हैं और मैं अकेले ही मंदिर जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी पुईद में माता का मंदिर दिखा सकूं। अभी मुझे इतनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। पल्लम का पेड़। जिंदगी में हमेशा अकेले चलने की आदत भी होनी चाहिए। अगर आप दूसरों पे ही डिपेंड रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं अकेले ही यहाँ तक आई हूँ और मैं ज़्यादातर ट्रैवल अकेले ही करती हूँ, क्योंकि अगर आप अकेले चलते हो तो किसी का ना सुनना पड़ता है ना किसी को सुनाना पड़ता है।
ना कोई आपके आगे चलता है ना कोई आपके पीछे, आपकी अपनी मर्जी होती है, आप कहीं भी जा सकते हो। देखिए एप्पल ट्री, और अभी मैं ले चलती हूँ आपको मंदिर। पहले यहाँ से रास्ता था, अब शायद बंद कर दिया है। जितना मुझे याद है मैं काफी सालों बाद यहाँ आ रही हूँ। और यहाँ से सारा व्यू दिखता है, पूरा कुल्लू। ये देखिए कुल्लू, ये बेखली धार है, और आपको जो पीछे पहाड़ दिख रहा है ये लग वैली। यहाँ से जो पीछे की तरफ जितनी भी पहाड़ है उस तरफ लग वैली बोलते हैं। ये सारी कोठी बेखली, वहाँ सामने ही ये इस वाले गांव में बेखली माता का मंदिर है। और यहाँ पे जमदग्नि ऋषि का मंदिर है जो हमारे देवता है, और हमारा घर भी यहाँ है, पुराना घर। और मेरा जो खुद का घर है वो यहाँ लोअर में इस जगह पे है, जो आपको लोअर में जो घर दिख रहे हैं। और ये है आपका कुल्लू, ढालपुर, सरबरी बस स्टैंड एरिया। ये है माता का मंदिर, अभी ले चलती हूँ आपको ऊपर। जय हो माता जी। यहाँ पे टॉगी भी है, चलो कोई तो साथ है। दान पात्र, अभी यहाँ मई में मेला भी था तो मैं यहाँ आ नहीं पाई थी, तो आज ही माता जी के दर्शन कर लिए। हमारे कुल्लू के मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जब भी मैं पहाड़ों वाली जगह पे जाती हूँ या किसी मंदिर किसी ऐसे ऊंची जगह पे, तो वहां से व्यू काफी अच्छा दिखता है। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो मेरे सभी ब्लॉग में ज़्यादातर जब भी मैं कोई मंदिर में गई हूँ तो वहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिखता है। कुछ दिनों में मैं अपने दूसरे घर जाऊँगी वहाँ ऊपर टॉप में, तो वहाँ से भी पूरा कुल्लू का व्यू दिखता है, जो वहाँ पर आपको मोड़ दिख रहा है। यहाँ से पूरा कुल्लू दिखता है, पूरी खराल वैली दिखती है। अभी इस वक्त मैं खराल वैली में हूँ, और वहाँ से ट्रैकिंग के लिए भी रास्ता है कासधार के लिए। वहाँ ऊपर टॉप में बिल्कुल जो जंगल का टॉप दिख रहा है। अभी हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पा रहा। इस पूरे मंदिर में सिर्फ मैं हूँ, एक दो चिड़िया है और एक डॉगी है, बेचारी थोड़ी बीमार है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून है, शांति है, और पूरे मंदिर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब यहाँ पर मेला होता है तो प्रोग्राम जो होता है वो यहाँ पे होता है, ये मंदिर का स्टेज है। और ये है हमारी अपनी वैली, मतलब मेरा गांव का एरिया। और ये मंदिर के आसपास के घर, पहाड़ों पर रहने का अपना ही एक अलग मज़ा है, और हम वो लकी लोग हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं।
अभी मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो थोड़ी बोर भी हो रही हूँ, तो मैं चलती हूँ वापस। बाय बाय माता जी, नेक्स्ट टाइम आएंगे अब आपके द्वार। हम इसे चपाड़ बोलते हैं लोकल भाषा में, पर छिपकली का बड़ा भाई है ये। ये ग्रह फेंके हुए अनाज फेंका हुआ तीन रास्तों पर। चलते हैं अब घर वापिस। मुझे लगा था यहाँ पर मुझे मामा जी की बेटी मिलेगी, पर उसका आज कॉलेज का एग्ज़ाम है तो वो कॉलेज एग्ज़ाम देने गई है। 2 बजे उसका एग्ज़ाम है तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा। कोई बात नहीं, मेरा ज़्यादातर सफ़र अकेले ही होता है, तो मैं घर पहुँची वापिस। ये अनार का पेड़ है और काफी बड़ा है ये, पता नहीं यहाँ तक पहुँचते कैसे होंगे ये। चोटी तक, लेकिन मैं इतने बड़े अनार के पेड़ नहीं देखे हैं। ज्यादातर अनार की लेंथ छोटी होती है। धुंध पड़ी, धुंध मुंडी बजी। गाइस अभी हम जा रहे हैं घर। हम सिर्फ यहाँ 2 घंटे ही रुके, तो क्योंकि जल्दी जाना है, मुझे आगे भी बहुत सारे काम हैं और मम्मी ने घर जाना है। मैं घर नहीं जाऊँगी डायरेक्ट, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगी। मैं ब्लॉग को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी। आप सभी का मेरा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।